कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी को 1 महीना पूरा हो चुका है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित सिक्स सेंसेस फोर्ट होटल में बीते साल 2021 में 9 दिसंबर के दिन कैटरीना और विकी ने बेहद शाही अंदाज में शादी रचाई थी। वहीं 9 जनवरी के दिन इंदौर में कैटरीना और विकी ने 1 मंथ वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। इस वक्त कैटरीना इंदौर में है, अपने पति विकी कौशल के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं। वहीं बता दें आपको, विकी कौशल अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट की शूटिंग में व्यस्त हैं। इंदौर में जहां एक तरफ वह अपनी शूटिंग पर ध्यान दे रहे हैं, वहीं कैटरीना कैफ के साथ समय भी बिता रहे हैं। इसी दौरान देखा जाए तो बॉलीवुड की दबंग खान सलमान खान के फैंस के लिए एक गुड न्यूज आ चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। वेल, बता दें आपको, सलमान के फैंस के लिए एक बेहद बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जो ना सिर्फ उनके फैंस के लिए है बल्कि उनके पूरे ही परिवार के लिए भी। चलिए बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार क्या है ये गुड न्यूज। बॉलीवुड की दबंग खान सलमान खान बीते लंबे समय से काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं अपनी मच अवेटेड फिल्म टाइगर 3 को लेकर। एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी नजर आएगी। दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आती है। फैंस इंतजार कर रहे हैं इस फिल्म के रिलीज होने का, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते टाइगर 3 की शूटिंग अभी अधूरी है। इसी दौरान देखा जाए तो फैंस के लिए एक बेहद बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दरअसल बता दें आपको, लंबे समय से सलमान खान के जीवन को लेकर डॉक्यूमेंट्री सीरीज को लेकर प्लानिंग चल रही है, जिसकी तैयारियां अब लगभग शुरू हो चुकी हैं, जिसका नाम बियॉन्ड द स्टार सलमान खान होगा। सलमान खान एक ऐसे स्टार हैं जिनकी फैन फॉलोइंग ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में देखने को मिलती है। सलमान खान 56 ईयर्स के हो चुके हैं और अपने फिल्मी करियर में 33 साल के करियर में उन्होंने काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखे हैं। सलमान खान की इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में कई छुपे हुए राज का खुलासा भी होगा। कई विवाद, अफेयर, फिल्म सफलता, विफलता, सलमान खान के जीवन के अहम हिस्से, कई सारी बातें हैं जो इस सीरीज के जरिए सामने आएंगी। फिलहाल देखा जाए, रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है बियॉन्ड द स्टार सलमान खान के उनकी ऐसी पिक्चर्स भी सामने आएंगी जो अब तक किसी ने नहीं देखी है। बता दें आपको, डॉक्यूमेंट्री सीरीज की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। ये सीरीज एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म के लिए बनाई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि डॉक्यूमेंट्री सीरीज की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। ये सीरीज एक बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बनाई जा रही है। कहा जा रहा है कि इस सीरीज में सलमान खान का परिवार, इंडस्ट्री के दोस्त भी शामिल होंगे। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी सामने आया है, इस सीरीज में सलीम खान, सूरज बड़जात्या, संजय लीला भंसाली, डेविड धवन, प्रभु देवा जैसे स्टार्स के नाम भी शामिल हैं। वेल, देखा जाए तो सेलेब्स भी इस सीरीज में सलमान खान के लिए बात करते दिखेंगे। सलमान खान ने अपने फिल्मी करियर में कितने उतार चढ़ाव देखे हैं, किस तरह से सफलता को हासिल किया है। सलमान खान पर ये सीरीज बनने जा रही है। इस सीरीज का प्रोडक्शन खुद सलमान खान की कंपनी सलमान खान फिल्म्स और वेब सीरीज स्केम 1992 बनाने वाली कंपनी अप्लाउज एंटरटेनमेंट मिलकर कर रही है। और ऐसे में देखा जाए, सलमान के बारे में हर बात जानना चाहते हैं उनके फैंस, और उनके लिए वाकई में ये कैसे शानदार सरप्राइज से कम नहीं है। आज सभी
सभी ने देखा जाना कि अब सलमान खान पर डॉक्यूमेंट्री बनने जा रही है, जिसके बारे में हमने आपको बीती पिछली रिपोर्ट में भी बताया था, लेकिन अब हमने आपको बताया है इस डॉक्यूमेंट्री के कुछ डिटेल्स के बारे में। आप क्या कहते हैं सलमान खान के बारे में, या बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। वर्क फ्रंट के बारे में बात की जाए, सलमान खान कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे फिल्म टाइगर 3 में। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।